आज मैं आपको अपने कुछ नए गीत सुना रहा हूँ। आज देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि बदल गई है। भारतीय जनता ने अपनी जनतांत्रिक गंभीर आकांक्षा को मूक बाणी द्वारा अभिव्यक्ति दी है। अनेक युगों से संतों की भाव प्रवृत्त वाणी से सिंचित नैतिकता आज अहिंसक क्रांति में, रक्तहीन निःशब्द क्रांति में प्रकट होकर विश्व के सामने एक महान उदाहरण प्रस्तुत कर सकी है। संसार के देश अवाक होकर इस ऐतिहासिक घटना की गंभीरता को ठाहने में संलग्न है। परिवर्तन ही जीवन का नाम है, सृष्टि का पर्याय है। आइए आज हम विगत को प्रणाम कर युग की इस नवीन आग्रह का स्वागत करें और विश्व की बहिर्भ्रांत सामूहिक सभ्यता को नवीन नैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि प्रदान कर जनमानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करें। इसी संदर्भ में मैं आपको ये नवीन रचनाएं सुना रहा हूँ। रचना सुनिए। आओ गाएं पिछले मूल्यों में पथ राय मानव के मन को समझाएं। पिछले मूल्यों में पथ राय मानव के मन को समझाएं। यह धरती के मन का पतझर निश्चरित्र अब नग्न दिगंतर। यह धरती के मन का पतझर निश्चरित्र अब नग्न दिगंतर। संशय त्रास अनास्था का तम नए ज्योति घट भर नहलाएं। संशय त्रास अनास्था का तम नए ज्योति घट भर नहलाएं। नवजीवन मूल्यों की कोपल खोल रही स्मित मुख श्री कोमल। नवजीवन मूल्यों की कोपल खोल रही स्मित मुख श्री कोमल। नव चेतन शोभा संचय कर भू पर जन मंगल बरसाएं। नव सौरभ नव मधु मरंद भर। नव सौरभ नव मधु मरंद भर। नव भावों की सूक्ष्म गंध भर। जन धरणी के गृह आंगन को नव मानव के योग्य बनाएं। यह निर्वाचन नव आवाहन। यह निर्वाचन नव आवाहन। यह भूजन के मन का दर्पण प्रतिबिंबित इसमें जनतांत्रिक मानव मन की आकांक्षाएं। आओ गाएं। यह निर्वाचन नव आवाहन। यह भूजन के मन का दर्पण प्रतिबिंबित इसमें जनतांत्रिक मानव मन की आकांक्षाएं। आओ गाएं। यह मन का पज्झर है ओ भूखे बनवासी। इस प्रकार आप अब इन शब्दों में दूसरी रचना सुनिए। यह मन का पज्झर है ओ भूखे बनवासी। छोड़ो निष्क्रिय आलस छोड़ो ग्लानि उदासी। यह मन का पतझर है ओ भूखे वनवासी। छोड़ो निष्क्रिय आलस छोड़ो ग्लानि उदासी। नई कोपले आने को बन के शालों में। नई कोपले कुंठित जनमन की डालों में। तुम विकास कामी परिवर्तन के अभ्यासी। ये शाश्वत मधुरित के अंतर्मुख शिशु पल्लव। ये शाश्वत मधुरित के अंतर्मुख शिशु पल्लव। नव भावों की दीप्ति भरेंगे नव ऋतु वैभव। नव श्री शोभा पान करेंगे आंखें प्यासी। नव श्री शोभा पान करेंगी आंखें प्यासी। काट छांट दुर्गम भूखा बन तुमने गढ़ा मनुष्य का आंगन। काट छांट दुर्गम भूखा बन तुमने गढ़ा मनुष्य का आंगन। शूलों में फूलों से तुम आनंद विलासी। यह मन का पज्झर है ओ भूखे वनवासी। इसी आवेश में लिखी हुई मेरी यह तीसरी रचना भी है। सत्य नहीं मानव का चारित्रिक पज्झर क्षण। सत्य नहीं मानव का चारित्रिक पतझर क्षण। विगत युगों के सीमित मूल्यों का यह विघटन। विगत युगों के सीमित मूल्यों का यह विघटन। सत्य नहीं मानव का चारित्रिक पतझर क्षण। आज दिशाएं अंतर मन की भाव पल्लवित। आज
दिशाएं अंतर मन की भाव पल्लवित, नव जीवन सौंदर्य धरा प्राणों में कुसमित, हृदय पद्म में बंदी मस्कर भरता गुंजन, विगत युगों के सीमित मूल्यों का यह विघटन, लोक क्रांति का यह ज्वलंत चित पावक केतन, लोक क्रांति का यह ज्वलंत चित पावक केतन, इसकी छाया में संगठित धरा के हो जन, अग्नि प्रलय क्षण झेल कर्मरत रहे प्राण मन, अग्नि प्रलय क्षण झेल कर्मरत रहे प्राण मन, निर्मित करना नर को नव भू जीवन का प्रांगण, निर्मित करना नर को नव भू जीवन प्रांगण, तंदा त्याग मनुज मन की जड़ता हो चेतन, शोभा कलश उड़ेल करो भूमुख प्रक्षालन, शोभा कलश उड़ेल करो भूमुख प्रक्षालन। इस धरती के जीवन के प्रति मानव हृदय में अक्षय अनुराग है, उसी को संबोधन कर मैं अपनी अगली रचना आपको सुना रहा हूं। धरती के जीवन के प्रति मनुष्य का जो अनुराग है, अग्नि लपटों की ध्वजा लेकर हुई समवेत अब हम जो प्रगति के क्रम, अग्नि लपटों की ध्वजा लेकर हुए समवेत अब हम जो प्रगति क्रम, मरणशील अजर अमर हम जीव, त्रास संशय ने अनास्था ने हमें था कर दिया जड़ क्लीव, देह में रह देह से हम रहे ऊपर, देह में रह देह से हम रहे ऊपर, क्षुब्ध लहरों पर बसाए सतत हमने तैरते घर, क्षुब्ध लहरों पर बसाए सतत हमने तैरते घर, जूझ ज्वारों से भयंकर सिंधु मंथन कर निरंतर, सूर्य शशि हमने उगाए अमृत विष के घूंट पीकर, जूझ ज्वारों से भयंकर सिंधु मंथन कर निरंतर, सूर्य शशि हमने उगाए अमृत विष के घूंट पीकर, सिंधु उर की आग यह नव जन सिंधु, सिंधु उर की आग यह नव लोक युग का याद यह नव, धरा जीवन प्रति अजय मनुज हृदय का सूक्ष्म रे अनुराग यह नव, धरा जीवन प्रति अजय मनुज हृदय का सूक्ष्म रे अनुराग यह नव। आज के विश्व जीवन में जो विकृतियां घर कर गई हैं उनसे संघर्ष करने को युग मानव को सन्नद्ध रहना है, इस अग्नि पर्व शीर्षक रचना का यही अभिप्राय है कि विश्व जीवन में जो विकृतियां घर कर गई हैं उनसे संघर्ष करने को मनुष्य को सन्नद्ध रहना है। अग्नि पर्व मनाएं युद्ध के गीत गाएं, अग्नि पर्व मनाएं युद्ध के गीत गाएं, अग्नि पर्व की उल्लास में प्राणों की भेरी बजाएं, क्या हम मृत्यु से डरेंगे कायरों की मौत मरेंगे, नहीं आग से खेलेंगे असंख्य घात झेलेंगे, देह मन घायल हो भग्न नहीं मनोबल हो, देह मन घायल हो भग्न नहीं मनोबल हो, संकल्प अजय शक्ति हो जीवन अशेष भक्ति हो असमंजसता से विरक्ति हो, संकल्प अजय शक्ति हो जीवन अशेष भक्ति हो असमंजसता से विरक्ति हो, आओ सूरज को गेंद की तरह उछालें, आओ सूरज को गेंद की तरह उछालें, सागर को मदिरा घट सा ढालें, मन में कोई भ्रम नहीं पालें, मन में कोई भ्रम नहीं पालें, अंतरिक्ष को चीर कर ज्योति द्वार दिखाएं, नया संसार बसाएं, अपने को खोएं फिर पाएं, अपने को खोएं फिर पाए। अपनी अगली रचना में मैंने कहा है हम किसके लिए युद्ध करें, हमारे युद्ध का स्वरूप क्या हो, कृपया समझे हम किसके लिए युद्ध करें, हम किसके लिए युद्ध करें, प्रबुद्धता के लिए अंतःशुद्धता के लिए, अंधकार को मिटाने प्रकाश को लाने हम बार बार जिए मरें, अंधकार को मिटाने प्रकाश को लाने हम बार बार जिए मरें, और किसके लिए युद्ध करें, आत्मदैन्य का बहिष्कार करने भूजीवन का संस्कार करने ज्योति शिखरों पर विहार करने हम युद्ध करें तनिक नहीं डरें, ज्योति शिखरों पर विहार करने हम युद्ध करें तनिक नहीं डरें, घृणा देश से लड़ें मानव प्रेम पथ पर बढ़ें, भव सागर में डुबके लगा संपूर्ण बन कढ़ें,
हम तपे सोने से निखरे, हम तपे सोने से निखरे समुद्र की तरह त्याग के तट पर बिखरे, समुद्र की तरह त्याग के तट पर बिखरे, मृत्यु मौन भंग करें हम युद्ध करें। यह इस सभ्यता के युग में सांस्कृतिक युद्ध है। अस्त्र शस्त्र क्या हो, इस पर मैंने अपनी इस रचना में प्रकाश डाला है कि संस्कृत की युद्ध के अस्त्र शस्त्र क्या हो। संघर्ष शांति है, मनुज प्रेम क्रांति है और सब भ्रांति है। संघर्ष ही शांति है, मनुज प्रेम क्रांति है और सब भ्रांति है। ये लो नए सैनिक, नए मूल्य नए तत्व, ये लो नए सैनिक नए मूल्य नए तत्व, इन्हीं को लड़ना है हृदय अंधकार से, युगों के भार से नया मनुज गढ़ना है। इन्हीं को लड़ना है हृदय अंधकार से, युगों के भार से नया मनुज गढ़ना है। विश्व में क्षमता फैले, मानव प्रति ममता फैले, घर घर हो संगठन सैनिकों को आमंत्रण, घर घर हो संगठन सैनिकों को आमंत्रण, अस्त्र शस्त्र से सज्जित वस्त्रों में नवभूषित, नवादर्श अस्त्र हैं, नवादर्श अस्त्र हैं, भू सौंदर्य वस्त्र हैं, लोक कर्म सृजन युद्ध विश्व मन हो प्रबुद्ध, लोक कर्म सृजन युद्ध विश्व मन हो प्रबुद्ध। अपनी अग्नि रचना में मैं कहता हूं कि आज की सभ्यता के युग की विषमताओं ने जो मन में आग लगा दी है वह कैसे शांत होगी, उसके लिए बाहरी प्रयत्न ही नहीं भीतरी प्रयत्न करने चाहिए। रचना है दमकल को रूपक बनाकर, दमकल लाओ दमकल लाओ आग बुझाओ, दमकल लाओ दमकल लाओ आग बुझाओ, मानव का मन झुलस रहा है, घर आंगन सब सुलग रहा है, जल बरसाओ जल बरसाओ, घन 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 काटती दिख सुन, दमकल आती जल बरसाती, पर्ण चित्त की आग बुझाती, घन 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 काटती दिख सुन, दमकल आती जल बरसाती, पर्ण चित्त की आग अघाती, बाह्य प्रयत्नों ही से क्या वह बुझ पाएगी, मन की आग बाह्य प्रयत्नों ही से क्या वह बुझ पाएगी और न अधिक भड़क जाएगी। आग सभ्यता की यह बरबर, आग सभ्यता की यह बरबर, छिड़को संस्कृति का जल इस पर, छिड़को संस्कृति का जल इस पर, यत्न करो भीतर से मन को समझाने का, बहिर्भ्रांत जनमन को सतपथ पर लाने का, यत्न करो भीतर से मन को समझाने का, बहिर्भ्रांत जनमन को सतपथ पर लाने का, हृदय सरोवर ही कारे जल आग बुझाता मन की बेहुवल, हृदय सरोवर ही कारे जल आग बुझाता मन की बेहुवल।